नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है गीता ब्लॉग्स में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो इधर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि गर्मी है ना, तो मैंगो शेक जो है ना डेली डेली बनता है और सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इधर मैं बना रही थी मैंगो शेक, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आम डाल दिया है, चीनी डाल दिया, दूध डाल दिया और अब मैं ठंडा पानी डालूँगी। आप लोग बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बर्फ़ नहीं डालते हैं क्योंकि बर्फ़ नुकसान करती है, तो इसलिए ठंडा पानी डाला है मैंने। और इधर मिक्सी में लगा देते हैं और बना लेते हैं मैंगो शेक। इस तरीके से बनाते हैं मैंगो शेक। तो कि कौन कौन बनाता है मैंगो शेक बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इधर बाहर से थोड़ा बहुत ज़्यादा उजीता आ रहा था, तो उल्टी तरफ कैमरा रखा था, तो इसलिए जो है ना क्या बोलते हैं कम साफ आ रहा है। तो इधर मैं इनके पापा से भी बातें कर रही थी और मैंगो शेक भी बना रही थी। तो यही है हमारा बिजी रूटीन। तो आप लोग जो है ना लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मिर्ची के पकौड़े बनाए हुए हैं मैंने, तो वो भी खाइए, देखिएगा और खाइएगा, बताइएगा ज़रूर किस तरीके के मिर्ची के पकौड़े बने हैं। तो आप लोग बने तो इधर मैं एक बार बना ली थी, दूसरी बार फिर से रख दी थी। तो आम ज़्यादा था तो इसलिए दो बार में बनाना पड़ा, तीन बार में बनाया था और दो बार का दिखा दिया, दो एक बार का नहीं दिखाया था क्योंकि वीडियो जो है ना बंद हो गया था, तो मुझे लगा शायद चालू है, तो इसीलिए फिर इधर जो है ना बन रहा है मैंगो शेक। तो ये बन गया, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ उसी पतीले में, और पतीला जो है ना पूरा अच्छे से भर गया था। तो चलिए अब मैं लेके चलती हूँ इसको किचन में। तो इस तरीके से मतलब मेरा पूरा पतीला भरा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो इधर मैं आ गई थी किचन में, अब मैं सबको दे देती हूँ एक एक गिलास करके, सबको दे देती हूँ घर में, तो सभी लोग पी लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे घर में, तो सभी बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए सभी को आम रस, इसको आम रस भी बोलते हैं, मैंगो शेक भी बोलते हैं, जो जो बोलता है वो हर चीज़ होती है। तो इधर मैं सभी के लिए गिलास में निकाल रही हूँ और वो माँ से एक एक गिलास उठा के सबको दे रहे हैं। तो ये हमारे आगे पीछे ही डोलते रहते हैं, हम कुछ भी बनाए तो आगे पीछे डोलते रहते हैं, मम्मा क्या कर रही हो, मम्मी क्या बना रही हो, तो यही करते रहते हैं। तो इधर मैं निकाल के दे रही हूँ और इधर वो सबको एक एक गिलास पकड़ा के आ रहे हैं। तो यही है हमारा मतलब बिजी रूटीन जो है ना, काम औरतों के घर में काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो
वही चलता रहता है। तो इधर ये मैं डाल देती हूँ, काजू बादाम क्रश करके रखे थे ड्राई फ्रूट, तो उनको डाल देती हूँ। बाकी इच्छा है जिसको डाल के पीना डाल के पिए, नहीं डाल के पीना नहीं डाल के पिए। तो इधर अब मैं आ गई थी किचन में, अब बनाऊंगी मैं। तो इधर तेल गरम हो गया था, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा पाउडर, और मैं हींग की डिब्बी ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिला है। तो हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, और उसमें डाला था जीरा, जीरा चटक गया, पाउडर बोल दिया मैंने, सॉरी। तो और हल्दी डाल के थोड़ी सी, और मैं अब डाल देती हूँ थोड़े से आलू, बाकी वो सब्जी के लिए रखेंगे, ये पकौड़े के लिए हैं, मिर्ची में भर के पकौड़े बनाएंगे हम। तो इनको मैं अच्छे से चला लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से चलाऊँगी। तो आप लोग कैसे बनाते हैं मिर्ची के पकौड़े, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरा तरीका कैसा लगता है आप लोगों को ये भी बताइएगा। तो अब मैं डाल देती हूँ नमक मिर्च, ये घर में मम्मी ने बनाया है, नमक मिर्च बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको बनाया है मम्मी ने। तो ये किसी भी सब्जी में डाल दो ना, टेस्ट एकदम अच्छा आता है, बहुत टेस्टी सब्जी बन जाती है। तो इसको मैं इस तरीके से पूरा मैश कर लेंगे नमक मिर्च को। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा अगर बनाए तो। अब मैं डाल देती हूँ हरा धनिया, और हरा धनिया से जो ना कलर एकदम चेंज हो जाता है। और इस तरीके से पूरे आलू जो ना अच्छे से मैश कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से मिक्स करने हैं आलू। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और मतलब आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक ज़रूर किया करें। तो इधर हमारा आलू बन चुका था, और आलू जो है ना मैंने उसमें क्या नाम मिर्ची में भर भी लिया था, सूट नहीं कर पाया। तो आप लोगों को बता देंगे किस तरीके से भरने हैं। तो इधर मैंने बेसन को छान लिया था और ले लिया एक डोंगे में, और इसको मैं घोल लेती हूँ अच्छे से। अच्छे से फेंटेंगे ताकि मतलब मिर्ची के उसमें अच्छे से मतलब मिल जाए, तो इसीलिए अच्छे से फेंटेंगे। तो इधर इनकी बुआ धो रही थी बर्तन, मैंने बोला बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है तो तुम बर्तन धो लो, मैं इधर खाना बना रही हूँ। और वही वाला नमक मिर्च इसमें भी डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इससे स्वाद अलग हो जाता है एकदम चेंज। और मैं ले लेती हूँ पानी, पानी लेके बेसन को घोट लेती हूँ अच्छे से। तो ये मतलब मैं कितना भी अच्छे से रखूँ मोबाइल, तो ये मेरी थोड़ा सा गर्दन जो है ना कट ही जाता है ऊपर का, अगर थोड़ा ऊपर दिखा वो नीचे कर लेते तो फिर कढ़ाई नहीं दिखती अच्छे से, चेहरा नहीं दिखता, इसलिए फिर ये मतलब मुझे थोड़ा सा अपना सिर काटना पड़ता है वीडियो में। तो वही, और मेरे पास ट्राईपोड नहीं है, ट्राईपोड टूट गया है मेरा, तो मैं कैसे कैसे काम चलाती हूँ मुझे पता है, ट्राईपोड नहीं है मेरे पास, तो मैं कहीं कहीं रख के थोड़ा सा काम चला लेती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए हमारा जो बेसन है वो अच्छे से घुल चुका था, और मैंने उसको इस तरीके से करके दिखाया, क्योंकि बेसन का जो है ना वो अच्छे से बन जाना चाहिए। और अब मैं डाल देती हूँ तेल, और मैं इसमें थोड़ा सा तेल और लगा देती हूँ, और फिर बनाती हूँ बेसन वो मिर्च के पकौड़े। बेसन में तो ये मैंने मतलब मिर्च ली हुई है, तो इसमें मैं आलू लेके इस तरीके से भर दूँगी, इसे खोल के सारी मिर्च में मतलब अच्छे से आलू भर दूँगी, और फिर इसको बेसन में डिप करके इस तरीके से भर देंगे। और उधर कुछ मेरे हाथ में छिलका वगैरह लग गया था तो मैं उसको साफ़ करने लग गई थी, तो इसको इस तरीके से भर के ऐसे सारी मिर्च जो है ना मैंने भर ली थी। तो एक मिर्च जो है ना बड़ी है मोटी है तो निकल जा रही बार बार थाली से। और अब इधर तेल गरम हो गया है,
अब इसको मैं मिर्च को बेसन में इस तरीके से पकड़ के और डिप करके डालेंगे, ऐसे चारों तरफ बेसन जो है ना अच्छे से उसमें लग जाए। तो इस तरीके से मेरे को डिप करनी है, आप लोग देखिए। और इधर जो है ना बेसन, वो क्या नाम, तेल गरम नहीं हुआ था तो मैंने फिर मिर्च को उसी में रख दिया है थोड़ी देर के लिए। तो अब जो है ना मेरा तेल गरम हो गया है तो मैं फिर से आ गई हूँ। तो उसको मिर्ची को डिप किया है अच्छे से और फिर इसको इस तरीके से डालना है तेल में। तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं पकौड़े, और इसमें इमली की चटनी ज़रूर होती है, इमली की और गुड़ वाली चटनी, मैंने वो भी बनाई है। तो वो तो नॉर्मल है, कोई भी बनाता है, तो इसलिए मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, इमली को जो ना अच्छे से धो लेना है और उसका जो गुदा है उसको ले लेना है, और उसमें क्या नाम वो गुड़ और नमक और मिर्च डाल के बना लेनी है वो चटनी, मीठी खट्टी मीठी जिसको बोलते हैं। तो इधर जो है ना हमारे पकौड़े देख लीजिए, आप लोग सीख चुके थे, गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं दोबारा फिर से डाल दूँगी। तो आप लोग लास्ट तक रहिएगा वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इधर मैंने आप लोगों को इमली की चटनी दिखा दी है किस तरीके से मैंने बनाई है। और ये जो आलू बच गया था उसका मैंने बना दिया है आलू बोंडा। तो आप लोग इसको जानते हैं या नहीं, हमारे यहाँ इसको आलू बोंडा बोलते हैं। आलू को गोल गोल मतलब वो कर लेना है, फिर उसको बेसन में डिप करके सेक देना है, तो इसको आलू बोंडा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आलू बच गया था, तो ये तीन ही बना था तो मैंने बना दिया है। और ये थोड़ा सा उंगली लग गया था तो बेसन नहीं था तो वहाँ पे रख दिया थोड़ा थोड़ा बेसन। और इधर मिर्ची के पकौड़े भी बन के, बोंडा भी बन के तैयार हैं। तो हमारा पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और टेस्ट करके बताइएगा ये मिर्च के पकौड़े और हम बोंडा कैसे बने हैं। तो यही है हमारी छोटी सी मस्ती और हमारी छोटी सी दुनिया जिसमें हम बहुत खुश रहते हैं। तो आप लोगों को हमारा ये मतलब ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद आप लोगों का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।